थोड़ा सा पाइपिंग का समझ लो, ठीक है आज आपको पाइपिंग लगाने का तरीका समझा देती हूँ। सबका हो गया है, फिटिंग तक सबने सिलाई लगा ली है, किस किसने लगाई है? अच्छा अभी यहाँ तक जिन्होंने फिटिंग लगा ली है, ठीक है ये आ रही है फिटिंग की सिलाई, ठीक है यहाँ तक आप लोगों ने लगा के उसके बाद लगानी है पाइपिंग। कोई भी पाइपिंग ले लो प्रैक्टिस के लिए, मैचिंग बेशक ना हो कोई भी, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मेरे पास पड़ी है। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसके अंदर डोरी एक होती है, कुछ मशीनें सेट कर लेती हैं, पुरानी मशीनें चल जाती हैं इसके ऊपर, लेकिन बहुत मुश्किल से ही चलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो बेहतर ये है आप लोगों के पास ये वाला पाव होना चाहिए, ये देखो ठीक है, ऐसा पाव होना चाहिए, ये राइट साइड वाला है, ठीक है लेफ्ट वाला भी होता है राइट वाला भी होता है, तो आपने राइट वाला लेना है, ठीक है। ये जब लगाएंगे ये देखो पाइपिंग ऐसे आएगी, ये सब ऐसे देखो, ऐसे पाइपिंग ये साथ साथ। वैसे तो पाँव के बगैर अगर ये नहीं है आपके पास पाँव, ये वाला होता है डबल फुट जो है, इस पर अगर आप चलाएंगी तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो आपने ये सिंगल फुट सबके पास होना चाहिए, सब ने लेना है, आपके अपने काम आएगा, ठीक है मस्ट होना चाहिए ये। अभी मैं इसको आपको चेंज करने का तरीका बता देती हूँ, ये देखो ये यहाँ से खोल लेंगे और ये देखो ये उतर गया, ये डबल फुट हमने उतार लिया, इसको कर लेंगे साइड पे। अब यहाँ पे हमने लगाना है सिंगल फुट, ये क्या करना है, ये जो शर्ट है उसको उल्टा रखना है, उल्टा रख के फिर इसको हमने ऐसे कर लेना है ऐसे, ठीक है। और ये थोड़ा सा निशान हमने लगाया हुआ है जब हमने कटिंग की थी, ठीक है आधा आधा इंच हमने इसीलिए छोड़ दिया था कपड़ा, मुझे एक पेन या चौक दे देना, चौक की। अब ये देखो यहाँ पे हमने फिटिंग जहाँ पे ख़त्म की है, चौक जहाँ पे आ रहे हैं उसके आगे हमने इधर भी निशान लगा लेना है यूँ करके, ठीक है। और इसी तरह हमने इस कपड़े को रखना है, इधर भी निशान लगा लेना है। वैसे तो ये कट्स छोटे छोटे लगे हुए हैं जो हमने स्टार्ट में लगाए थे, लेकिन अपने आसानी के लिए आपने ऐसे लगा लेना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी पाइपिंग जो है यहाँ से जब शुरू करेंगी तो बराबर आएगी, ठीक है। जब आप एंड करते हैं तो समझ नहीं आती, फिर आगे पीछे हो जाता है, तो आप निशान मस्त लगाने हैं। ये एक निशान तो हमने लगा लिया जहाँ पर हमने चाक हमारे ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरा थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे, थोड़ा सा ही ऊपर, आधे इंच से भी कम गैप रखते हैं। हमारे पास ये पाइपिंग है, पाइपिंग की ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है, ठीक है। उल्टी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है और सीधी ऊपर रखनी है, और यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको मोड़ लेना है, ये देखो थोड़ा सा मोड़ लेंगे ताकि रफ काम ना हो, नीटली हमारी पाइपिंग लग जाए। अब इसको हमने ये जो ऊपर वाला निशान है ना यहाँ पर रखना है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे सेट कर लेना है। यहाँ से धागा पकड़ के एकदम मशीन नहीं चलानी, पहले उसको पक्का कर लें, सेट कर लें, ठीक है। अब धागे को पीछे कर लेते हैं, ऐसे एक दो टांके ले लें, स्टार्ट में ज़रा होती है मुश्किल क्योंकि डबल पाइपिंग हुई है ना इसलिए। अब आपने सीधी इसी तरह रखते जाना है, आधे आधे इंच का गैप रख के, और उसके बाद आपने सिलाई लगाते जाना है, ये देखो अब आराम से ये चलती जाएगी, ठीक है। ये देखो कपड़ा उतना ही लेना है जितना हमने छोड़ा हुआ है आधे इंच का, ठीक है। अब यहाँ पे आपने समझना है बिल्कुल एंड पे एक टांका लेके जाना है, बिल्कुल जहाँ पे एंड हो रहा है। अब इस मशीन को ऐसे हमने थोड़ा सा उठाना है, अब ऊपर वाले धागे की हमने कटिंग कर लेनी है, ये ऊपर वाला धागा काट लिया, नीचे वाला नहीं काटा, नीचे वाला वही है। अब हमने क्या करना है, ये देखो ऐसे इसको सीधा कर लेना है, ठीक है, कॉर्नर आपने ऐसे बनाना है, इसको सीधा कर लिया हमने। अब इस साइड पे हमने दोबारा से जैसे स्टार्ट किया था जैसे कपड़ा इतने इतने हमने अंदर मोड़ना है, तो इधर निशान थोड़ा सा लगा लें, यहाँ पे स्पेशली आपने निशान ज़रूर लगाना है ताकि आपको आइडिया हो। अब यहाँ पे ये देखो जो निशान लगा हुआ है उसके ऊपर ही हमने पाइपिंग को ऐसे रखना है ऐसे, ठीक है। अब इसको हम मशीन के ऐसे रखेंगे अंदर धागे को, ये थोड़ी सी कॉर्नर जहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टार्ट जहाँ पे लिया है यहाँ पे आपको थोड़ी मुश्किल होगी, आगे नहीं होगी, ठीक है। अब इसी तरह आपने ये लगाते जाना है, ये देखो अब ये दूसरा कॉर्नर है, तो इसका भी हमने
यहाँ पे ऐड करना है ऐसे, ठीक है, वही उसी तरह धागा काट लेना है ऊपर वाला, फिर इसको हमें ऐसे करना है, खिंचाओ आ रहा है कितना, और वही हमने रिपीट चीज करनी है ऐसे, ठीक है, कॉर्नर ये बन गया। अभी ना यहाँ पे हमने इसको एंड करना है, ठीक है, ये देखो ये चौक है तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमने बताया था ना एंड करना है थोड़ा सा ऊपर करके, तो उस हिसाब से हमने अब पाइपिंग देख लेनी है, यहाँ तक पूरी आ रही है ये, तो एक्स्ट्रा थोड़ी सी हमने इतनी रख लेनी है जो नीचे हम मोड़ेंगे, ठीक है, तो इतनी हमने कटिंग कर लेनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख के इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे जैसे स्टार्ट लिया था, और यहाँ पे ये देख लो इधर, यहाँ पे सबको नज़र आ रहा होगा ये चौक है, बिल्कुल चौकों के मैं बिल्कुल साथ लगा रही हूँ यहाँ पे, और फिर जैसे कपड़ा सीधा करके इसको ऐसे एंड कर दूँगी, ऐसे करके ये होगी डबल। अब इसको हमने कर लेना है कट, ये और ये, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे, ये मैं चीज़ समझा रही थी उधर मशीन पे, नहीं आपको समझ आ रही होगी, ये देखो अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे पाइपिंग, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल कोने में आ रही है, अगर आपने थोड़ी सी हटा के लगाई ना इस साइड की तरफ तो फिर ये इस पे नहीं आएगी, वो बहुत मतलब ख़राब इसकी लुक हो जाएगी, सारी लुक ख़राब हो जाएगी। अब ये देखो बहुत अच्छी इसकी शेप आ रही है यहाँ पे। अभी इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है, इसको सेट करेंगे ऐसे, तो प्रेस कर लेना है सारे कपड़े को, था ये खुद ही वो अपनी जगह पे आ रहा है, ये देखो खुद ही वो नीट होके खुद अपनी जगह पे आया। अब यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, इधर आएंगे इधर कॉर्नर पे जाएंगे तो उधर से ही हमने इधर ले जाना, बेशक इधर अगर पक्का करना चाहो तो ये तरपाई से हम बाद में करेंगे, इधर सिलाई ला के इधर फिर इधर जाना है। सबसे पहले आपने इसको इस्त्री करना है, इतनी लगा के तो इस्त्री करना है। चलो मुमना बंद। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये सिंगल पाइपिंग एक साइड से लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है, अब इसको बच्ची ने प्रेस भी कर ली है, ठीक है, अब इसको उल्टा एक मिनट करना मुमना। अब यहाँ पे ये देखो इस तरह करना है आपने पाइपिंग को, ये एक साइड कोई भी किनारा ले लेना, कोशिश करो कि बैक साइड से ही लो ताकि बैक पे ही एंड हो। अब यहाँ से आपने ऐसे करना है, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है इधर से, ठीक है जी, इधर से लगाती जाओ। ये अब इसको यूँ मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी छोटी पाइपिंग है, बड़ी होती है तो उसको हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसके किनारे पर सिलाई लगाते जो यहाँ पे आओगी, ये देखो ऑलरेडी कॉर्नर बना हुआ है, ठीक है, इसकी यहाँ पे लेके फिर इधर से इधर चले जाना, ऐसे ही इधर ले जाना, फिर इसी तरह लेके आते आते यहाँ पे आओगी डिब्बा, हाँ यहाँ पे डिब्बा बनाना है, ये देखो इसको समझो, यहाँ पे ला के ऐसे, और ये देखो इसलिए ये बराबर करवाए थे आपको कि ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, जब मैंने निशान स्टार्ट में लगवाए थे ना वो इसलिए कि ये आपकी चीज़ बराबर आए, ऊपर नीचे होगी तो वो चाकों की सिलाई फिर ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी वो मुड़ा हुआ है कपड़ा, ये भी हमने स्टार्ट में मोड़ लिया था, यहाँ पे आपने अब बस ध्यान रखना है जब ये सिलाई यहाँ पे लगेगी यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे इकट्ठे करके लगानी है, खोल के नहीं ऐसे लगानी है, इसको मिला के यहाँ पे सिलाई लगानी है इधर, फिर आगे से वही, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डबल जब हम सिलाई करेंगे तो पाँव चेंज कर लेना है, ये अब डबल लग रहा है, ठीक है, इसको लगा लो। अभी ये जब डबल करनी है हमने, दूसरी सिलाई लगानी है तो डबल पाँव वही वाला ऑलरेडी जो लगा था मशीन वाला उसको सेट कर लेना। चलो जी अब स्टार्ट कर लो, ठीक है, हाँ ऐसे अब सिलाई लगाती जो, यहाँ पे डबल की ज़रूरत नहीं है, जब एंड इधर ही होगा ना खुद ही वो डबल हो जाएगी, किनारे पे सिलाई लगाते जो ऐसे, वेरी गुड, ठीक है, ले जाओ आगे। बिल्कुल ऐसे कॉर्नर की तरफ नहीं जाएंगे, बस दूसरी साइड पे ले जाएंगे ऐसे,
बस इसी तरह सारा कंप्लीट कर लो।